हाय फ्रेंड्स, मैं आज महालक्ष्मी के लिए जा रहा हूँ। दादर से मैंने ट्रेन पकड़ी है महालक्ष्मी के लिए, महालक्ष्मी एक्सप्रेस, और ये 8:35 पे दादर से छूटती है और 8:20 पे छूटती है CST से। और ये मैं ट्रेन पकड़ा हूँ और सुबह 7 बजे के करीब मैं पहुँच जाऊँगा। और जैसे जैसे वहाँ पे पहुँचूँगा महालक्ष्मी और बाड़ू मामा का मैं पूरा जानकारी आपको देते जाऊँगा। चलिए, अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है ट्रेन, और ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको सारी जानकारियाँ देते जाएंगे। चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं कोल्हापुर, और हम ये आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे से सीधा यहाँ से राइट से निकलेंगे और चलते आगे की तरफ। ये आप देख सकते हैं श्री साहू जी महाराज कोल्हापुर। यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। ये राइट साइड में निकलने के लिए रास्ता दिया गया है। ये हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ से देखते हैं कोई रिक्शा वगैरह पकड़ेंगे। चलते बाहर, ये रिक्शा मिल गई हमें यहाँ पे एक सीट का भी। ये हमारी गाड़ी निकल गई है और यहाँ से कुछ 2 से 2.5 किलोमीटर है। चलिए पहुँचते हैं, हम लोग पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं ये महालक्ष्मी मंदिर, और हम मंदिर की तरफ जाते हैं। हम अंदर जाते हैं महालक्ष्मी मंदिर और पूरा आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर का। कोशिश करेंगे जहाँ से तक हो सकेगा पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं रोका गया तो बंद हो जाएगा, नहीं तो मैं जहाँ हो सके मैं आपको पूरा दिखाऊंगा वीडियो। अंदर चलते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा आपको तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे दूसरों को जानकारी मिल सके। यह माता जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं बैक साइड से मैंने एंट्री किया है और हम आगे की तरफ जाएंगे, वहाँ से हम लाइन लगा के अंदर दर्शन करेंगे। ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं दूसरे रास्ते। ये महालक्ष्मी कोल्हापुर का मंदिर है, आप देख सकते हैं। जहाँ माता लक्ष्मी खुद आके यहाँ पे रुकी हुई थी। और ये कोई मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है एक और, तिरुपति बालाजी से नाराज होके माता जी यहाँ पे आके बैठ गई थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ का गेट, ये दूसरा गेट है। और हम आगे जाते हैं, आप देख सकते हैं लाइन काफी है। फिलहाल हम तो लाइन से जाएंगे, चलते आगे की तरफ। ये हमने लाइन लगा लिया है मंदिर के अंदर जाने के लिए। ये हम मंदिर के गेट पे पहुंच चुके हैं और देखते हैं कितना समय लगेगा। ये लाइन लगी हुई है। संडे के दिन और सैटरडे के दिन, शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी होने की वजह से यहाँ पे गर्दी काफी रहता है। ये देख सकते हैं तिरुपति बालाजी का मंदिर यहाँ पे है, और मैं आपको बालाजी के दर्शन करा देता हूँ। ये बालाजी का मंदिर है, पहले यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिएगा। जो भी अगर तिरुपति नहीं गए हैं तो यहाँ पे बालाजी का दर्शन कर लीजिएगा, और उसके बाद में सामने ही माता जी का मंदिर है। ये हम मंदिर के अंदर जाते हैं और जहाँ तक हो सके मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं अंदर की तरफ। माँ लक्ष्मी कोल्हापुर, माता लक्ष्मी जी का दर्शन हो सके तो मैं करा सकूँ, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दर्शन कराने की।
ये हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी जहाँ तक हो सका मैं चुप लेके जा रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। ये रहा माता जी का मंदिर, हजारों साल का यह मंदिर है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से ये बनाया गया है, इसका जो वर्क है आप देख सकते हैं। ये माता का मूर्ति है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शन कर लीजिएगा। और चलते हैं अंदर की तरफ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, दर्शन जरूर मिलेगा आपको। ये माँ काली का मंदिर है अंदर ही, ये उनके पालकी का रथ है, पालकी है उनकी। और चलते हैं अंदर की तरफ, काफ़ी गर्दी है। और यहाँ पे राइट साइड में हमारे गणेश जी बैठे हुए हैं, दिखा देता हूँ अभी आपको। ये देखिए, और हम अंदर की तरफ जाएंगे दर्शन के लिए। चलते आगे की तरफ, काफी गर्दी है। ये माता जी का मंदिर आ गया है, जहाँ पे माता जी खुद विराजमान है, माँ लक्ष्मी। ये देख सकते हैं आप, माँ लक्ष्मी खुद विराजमान है यहाँ पे। अभी वापस आपको दिखा देता हूँ, ये मंदिर के अंदर बैठे लोग पुजारी हैं। क्लियर तो नहीं आएगा, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी महालक्ष्मी नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ से ही दर्शन कर ले। और मैं तो बोलूँगा एक बार आप सभी से प्रार्थना करूँगा, आप सभी जाके आइएगा माता के दर्शन करने के लिए। ये आप देख सकते हैं सामने ही मंदिर है, लेकिन मूर्ति काफ़ी दूर है, इसके लिए क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखिए, कैसे भी करके मैंने थोड़ा सा। दोस्तों, आज मैं महालक्ष्मी के दर्शन के लिए आया था, और पूरा आपको वीडियो मैंने दिखाया, महालक्ष्मी का दर्शन करके वीडियो में दिखाया है, आप दर्शन करना। और ये मैं आपको पूरा, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको भी अगर कुछ जानकारी चाहिए रहेगा, वीडियो ज़रूर देखिए, दूसरे को भी शेयर कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे और हमारे जो वीडियो आते हैं आप तक पहले पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्ते।